पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। महापौर पद को 31 दावेदारी प्रस्तुत हुई हैं। लखनऊ से आए पर्यवेक्षकों के समक्ष स्थानीय पार्टी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने महापौर पद के लिए हर जातीय वर्ग से एक नाम सुझाया है। फिलहाल पार्टी परिसीमन का भी इंतजार कर रही है। शनिवार को चक्कर की मिला के स्थित सपा कार्यालय में लखनऊ से आए पर्यवेक्षक विधायक मनोज पारस ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। पर्यवेक्षकों ने सभी टिकट के दावेदारों से वोटर लिस्ट पर विशेष मेहनत करने का निर्देश दिया। प्रत्याशी दावेदार अपने सभी वोटर का नाम लिस्ट में जरूर जुड़वाएं। सपा के पर्यवेक्षक और नगीना से विधायक मनोज पारस ने बताया कि 31 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जी विधायक जी, आपके द्वारा आज आवेदन लिए गए हैं महापौर के लिए, कितने आवेदन हुए हैं अब तक? देखिए, अब तक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिन लोगों ने आवेदन किया है वो सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, बीसी पुरुष, बीसी महिला, एससी पुरुष, एससी महिला के लिए जो आवेदन हुए हैं वो टोटल 31 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची बना के क्रमवार हम आगे राष्ट्रीय टेडी को। आज आपने आवेदन किया है, क्या इस बार आपने आवेदन करने क्या विचार रखेंगे? साहब, मेरा सब एक ही विचार है, जो लोगों को पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लगातार शहर में गंदगी बढ़ रही है, उस चीज़ को ठीक करा जाए। शहर को सही तरीके से स्मार्ट सिटी का नाम जो मतलब जो है वो दिया जाए और सही काम करा जाए, जिससे जो है हमारी सिटी स्मार्ट बन सके। कब से आप समाजवादी पार्टी में हैं? मेरा पिछले काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैंने पिछली बार विधानसभा 28 के लिए भी आवेदन करा था मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद में, बस मगर वो टिकट जो है यूसुफ अंसारी साहब को हुआ। क्या मुख्य विकास कार्य रहेंगे जो अगर आपको अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारती है? विकास कार्य हमारे यह है, शहर को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है वो बननी चाहिए और मैं इसे इंशाल्लाह बना के रहूँगा।